हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। सो आज है संडे और ऑफिस की छुट्टी है, तो आज हम लोग करने वाले हैं थोड़ा अपना स्किन केयर, स्किन को पैम्पर करेंगे और थोड़े बहुत काम है जैसे कि कपड़े वॉश करना जो मैंने डाल दिए वॉशिंग मशीन में। और आज मैं लगाऊंगी अपनी कबर्ड भी, बहुत ही ज़्यादा क्लटर हो रखा है, तो सारे काम आज जो हैं वो करने वाली हूँ मैं। इसलिए आज मैं पूरा मॉर्निंग से लेके नाइट तक आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं क्या करती हूँ छुट्टी वाले दिन पीजी में, तो स्टे ट्यून। तेरा चेहरा, ये ना मैं घर से जो प्योर वाला सरसों का तेल होता है ना, वो मम्मी ने दिया था इसमें भर के, तो इसलिए ये बॉटल ऐसे लग रही है, कोई मैंने मार्केट से नहीं खरीदा। और ये ना मैं अपनी बॉडी पे भी लगाती हूँ क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, मॉइस्चराइजर काम ही नहीं करता, ख़ासतौर पर विंटर पर, तब विंटर में, तो इसलिए मैं सरसों का तेल लगाती हूँ। कभी कभार तो मेरी स्किन इतनी ज़्यादा सुपर ड्राई हो जाती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं सरसों के तेल में ना लूँ। ऑयलिंग डन हो गई, अब मैं सोच रही हूँ अपनी कवर्ड को क्लीन कर लेती हूँ, इतना ज़्यादा क्लटर हो रहा है। कबर्ड एकदम डन हो गई है, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को अब ना कबर्ड के बाद मैं करूँगी अपना बेड। ईयरिंग्स या कुछ भी सामान निकालना होता है मैं पूरा गचड़ बिचड़ कर देती हूँ उसको, तो अभी मैंने सब कुछ सही से लगा दिया है, ऑर्गेनाइज्ड। ऐसे काम करें कितना अच्छा लगता है ना। और ये रहा सारा कुछ कपड़ों का सेक्शन, यहाँ पे मेरा सारा कुछ स्किन का है, और ये सारे कपड़े, तो ये डन हो गया। बेड की कुछ हालत ऐसी है, बेड को भी ठीक कर लेते हैं जल्दी से। डन हो गया एकदम क्लीन, बेड क्लीन, कवर्ड क्लीन। मैं करने जा रही हूँ अपना पेडिक्योर और मैनीक्योर, तो मेरी रूममेट भी कर रही है और प्रियंका भी कर रही है, तो हम पीजी वाले बच्चे आज यही कर रहे हैं पूरे दिन। मीट माय रूममेट अपूर्वा, जिसके पास जो भी है ना सब लोग अपना अपना निकाल रहे हैं कि क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं। तो बकेट, इसमें थोड़ा सा शैम्पू डालना है क्योंकि हमारे पास जो जो डालना चाहिए था वो कुछ नहीं है, बेकिंग सोडा कुछ भी नहीं है हमारे पास, ना सॉल्ट है, बाथ सॉल्ट, तो मैंने इसमें शैम्पू डाल दिया थोड़ा सा। अब इसमें ना एक या दो बूंद ऑयल की डाल रही हूँ जिससे कि ना ड्राइनेस ना हो पैरों में, तो बस ये डाल दिया मैंने ऑयल, दैट्स इट। उसके बाद अपने पैरों को स्क्रब करूँगी, अभी पूरा प्रोसेस दिखाती हूँ आप लोगों को, ये जुगाड़ू प्रोसेस बोल सकते हो उसको। मैं ना नींबू भी ले आई हूँ, थोड़ा सा स्किन पे मैं जो टैनिंग हो रखी ना इसको हटाऊंगी, तो अभी कुछ मेरे पैर ऐसे लग रहे हैं, ये देखिए। अब देखती हूँ ये जो हम ये जुगाड़ कर रहे हैं इससे कुछ फर्क भी पड़ता है नहीं। ओ बहुत गर्म है, बहुत गर्म है, तो 10-15 मिनट तक मैं इसमें ही ऐसे पैर रखूंगी अपने। भी आ जाओ इसी में, मैं क्लास ले रही हूँ, इसी में ही आ जाओ तुम क्लास को, क्लास ये पढ़ने वाले बच्चे। दीदी ऐसे गंदी शक्ल में मत दिखाओ। मुझे कैसे डिस्टर्ब किया जा रहा है, तीनों खुद को पैम्पर कर रहे हैं, मुझे टेम्पर कर रहे हैं, पढ़ रही है बेचारी। कोशिश चल रही है, देख रहे हो
कभी मुझसे ब्रश मंगाई जाती है, कभी पानी कम कराया जाता है। यार हम लोग ना पैर में बाल्टी में पैर डाल के बैठ चुके हैं ना, लगा मेहंदी नहीं लगाई है। हाथ कुछ ऐसे लग रहे हैं। अब मैं नहा कर ना नेल पेंट लगाऊंगी सुंदर सा। मैंने नेल्स भी कट कर लिए, ज़्यादा फर्क तो नहीं दिख रहा मुझे, बट ये है कि क्लीन हो गया है, मतलब डेड स्किन निकल गई है, जो डर्ट थी वो निकल गई। हम लोग पैरों पे थोड़ा कम ध्यान देते हैं तो आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि पैर क्लीन हो गए। तो अब ये कर लिया है, उसके बाद में ये ना मेरे पास डर्माको का एक वो है फेस पैक, ये लगाती हूँ फेस पर। और क्या करना है मुझे, हाँ मुझे आई थिंक अपर लिप्स भी करने हैं इससे, तो ये भी करती हूँ। लिप्स बनाने से पहले ना मैं एलोवेरा जेल लगाऊंगी थोड़ा सा। आईब्रोज मेरे एकदम क्लीन हो गए, अपर लिप्स भी, आईब्रोज हो गए ना, पार्लर की भी जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है। अभी मैंने जो कपड़े वॉश के लिए डाले थे वो वंश का वेट कर रही है मेरा कि दीदी कब आप कपड़े उठा के डालो तो मैं अपने भी डालो, तो वो करने जाती हूँ जल्दी से। कपड़े वॉश हो गए हैं तो अब इसको सूखने का वेट करती हूँ, और तब तक मैं फ़ोन चलाती हूँ थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम एंड ऑल, फिर नहाने जाऊँगी मैं। ड्राई हो चुका है कपड़ा, आई थिंक आधा घंटा हो गया इसको लगाए हुए, अपना फेस वॉश कर लेती हूँ। फेस वॉश हो गया है तो अब मैं जाती हूँ जल्दी से नहाने, लिया मैंने टॉवल, अब मिलती हूँ मैं ना आकर आप लोगों को, ठीक है। मैंने हेड वॉश भी कर लिया, इतना अच्छा लग रहा है, और बाहर ना मौसम बहुत ही अच्छा, एकदम बारिश जैसा। नेल पेंट ये वाला कलर मैंने सेलेक्ट किया है, यही मैं हाथों में लगाऊंगी, यही पैरों में लगाऊंगी, दिखाते हो कैसा लग रहा है। मैं रेडी हो गई एकदम, ब्रश लगा लिया मैंने खूब सारा, बट कम दिख रहा है पता नहीं क्यों, और रेडी हो मैं पूरे तरीके से। अब हम लोग चलते हैं मार्केट, मार्केट जा रहे हैं, और हमें ऑटो में ऐसा बैठना पड़ रहा है, तो चार लोग हैं तो अभी पूर्वा को मैं अलग ऑटो में पटक नहीं सकती ना तो वंशिका को पटा तो वंशिका को हमने बैठाया दीदी प्रियंका के पैरों पर बैठी हूँ, बैठाया हमने हमने खा लिया, ये देखो सब कुछ फिनिश कर दिया, इतनी ज्यादा भूख लगी थी कि हम मैं ना वीडियो ही नहीं बना पाई जो हमने ऑर्डर किया था। बहुत ही ज्यादा शॉपिंग करी यार हमारा, सबका इतना खर्चा हो गया, इसके पैसे खत्म, पैसे मेरे पास आई थी, इसको बेच के जा सकते हैं। इनको तो कुछ पता ही नहीं कि उन्होंने कहाँ पे क्या खर्चा किया, अरे ये लोग ऐसे ही लड़ते रहेंगे, हम अभी घर जाके आपको दिखाते हैं कितनी सारी शॉपिंग। हाय गाइस, मैं मार्केट से आ गई मैं, और आप लोगों को कपड़े दिखाना बिल्कुल भूल गई हूँ। ये कपड़े लिए मैंने और बिल्कुल हिम्मत नहीं है मेरी कि मैं आपको दिखाऊँ कि क्या क्या खरीदा है, कि हम लोग इतने ज्यादा थक गए हैं कि आप बस पूछो मत कितने थक गए हैं। तो अब मैं जा रही हूँ सोने, कितना टाइम हो गया है, 12 बजने वाले हैं, और कल हमें ऑफिस भी जाना है। पर सच बताऊँ तो मैंने इस बार जनपद मार्केट से ना बहुत ही अच्छी शॉपिंग करी है, अगर आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करोगे ना तो मैं पक्का दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या खरीदा। तो बाय, टिल देन प्लीज़ हिट सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर, और अगर आप लोग को मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं ना तो यार कमेंट कर दिया करो, क्या ही जा रहा है आपका। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।